वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो आज के क्लास में मैं CUH यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। सो इस चैनल पे मैं बेसिकली जो एडमिशन है CUH से अदर यूनिवर्सिटी रिलेटेड वो बताती हूँ। आपको गाइडेंस मिलेगा बीएड क्या है, एमएड क्या है एंड पीएचडी में कैसे एनरोल होना है ये सारे के बारे में। एंड जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट या बीएड एमएड से जुड़े हुए हैं इनके में जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाती हूँ। सो जो सीनेट हो गया, कोई भी स्टेट एग्जाम जैसे पीजीटी हो गया, लेक्चर हो गया, जहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट जुड़े हुए हुए इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। ये चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डेली विजिट कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले अभी सब्सक्राइब किया ना जी एंड लाइक कर दिया तो भी कभी लाइक कीजिए ना। ठीक, तो आज देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। सो CUH के जैसे अभी को पता है कि अभी एडमिशन चल रहा है। जिन लोगों का एडमिशन हो गया है वो हॉस्टल के जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिए होंगे, क्योंकि उसका डेट भी था तो आप लोग कर दिए होंगे हॉस्टल के, तो इसके मैंने वीडियोस बनाए थे। एंड हॉस्टल का टूर कैसा है, गर्ल्स हॉस्टल का भी मैंने टूर बनाया था, मेस कैसा है, सबके बारे में ऑलरेडी वीडियोज़ है। आप लोग जाके वो वाले वीडियोज़ भी देख लेना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके यस, सो अभी देखते हैं क्या आया है। सो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप एडमिशन पे जाना है, यहाँ पे एडमिशन ब्राउचर अगर देखना है, बीटेक के एडमिशन के बारे में जानना है, पीजी के बारे में जानना है, तो इन सब के बारे में आपको पीजी। तो फिफ्थ काउंसलिंग वाइज अलॉटमेंट आ गई है, जैसे मैं आपको बता रही थी बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के बाद हमारा नहीं आया है, तो मैं इन लोगों को बता रही थी कि वेट करो, फिफ्थ काउंसलिंग होगा उसके बाद ओपन काउंसलिंग की भी चांस है, तो आपका चांस बहुत है, आप वेट करो। सो अभी देखते हैं फिफ्थ काउंसलिंग का आ गया है। सो ये आ गया है तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी जो लिस्ट है यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसे एम कॉम हो गया, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ होस्टल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, मास्टर ऑफ साइंस, एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस, देन मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट MSc, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, देन मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस बायोकेमिस्ट्री, देन स्टैटिस्टिक, देन इकोनॉमिक, देन मास्टर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन बायोलॉजी, देन आर्ट्स एंड पॉलिटिकल साइंस, देन जर्नलिज्म, देन पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलेशन साइकोलॉजी, देन साइकोलॉजी, LLM, LLB, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप यहाँ से उसकी लिस्ट डाउनलोड करो। ओके, तो ये रहा। सो बीएड एमएड की फिफ्थ काउंसलिंग की लिस्ट नहीं आई है। सो उनकी फोर्थ तक आई थी, फोर्थ की मैंने लिस्ट दिखाई थी आपको जो बीएड है और एमएड है उनकी। सो यहाँ पे अभी नहीं आए है बीएड एमएड की। सो बाकी के आप किसी के भी देख सकते हो, जैसे मैं अभी एमबीए का मुझे आया था तो एमबीए का हम देख लेते हैं। यस, ये रहा फिफ्थ काउंसलिंग लिस्ट जो एमबीए स्टूडेंट है उनके लिए। सो आप अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका है या नहीं है। ओके, सो ये रहा लिस्ट। ये रहा MBA की लिस्ट। सो आप अपना नाम चेक कर लीजिए। जैसे मैंने बताया था अगर आपका है आपको आके ऑफलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपका उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। बाकी जिस दिन आपका एडमिशन होगा वहाँ उस दिन जैसे आप आओगे उस दिन क्लास के लिए, जैसे 1 अगस्त से न्यू बच्चों का क्लास स्टार्ट हो रहा है उसी दिन जब आप आओगे अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आना, तो यहाँ पे फिजिकली भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो अभी एडमिशन के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये रहा जो जो सब्जेक्ट आपका है एक बार देख लीजिएगा। सो यस, ये रहा CUH यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का
जो फिफ्थ काउंसलिंग का लिस्ट है वो है। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि यूनिवर्सिटी रिलेटेड कुछ भी वीडियोज़ हो, आपको यूनिवर्सिटी के टूर करना है, आपको मेस जाना है, हॉस्टल जाना है, एडमिशन प्रोसेस, ओपन काउंसलिंग, एवरीथिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा जो मेनली जो बच्चे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, या तो फिर पीजी कर रहे हो, या फिर एजुकेशन नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कोर्सेज चलाती हूँ एंड पेड कोर्स हमारे एजुकेशन नेट एजुकेशन सब्जेक्ट, तो जो दिसंबर वाले हो गए उसके भी पेड कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एमएड में हो या फिर पीजी आपकी कंप्लीट हो गई है, यानी कि एमएड एजुकेशन आपकी हो गई है, तो अगर आप या फिर कर रहे हो कंटिन्यू है, अगर आप अभी भी एमएड में एडमिशन लिए हो या फिर एमएड एजुकेशन में एडमिशन लिए हो या फिर कंप्लीट हो गए, तो एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए आप अगर कोर्सेस लेना चाहते हो पेड कोर्स, जो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, डिस्कशन, कंप्लीट मटेरियल, ये सारे मिलते हैं। ये रहा 1999 फॉर डिसंबर एग्ज़ाम, तो इसकी अभी बंद हो गई है, तो फिर डिसंबर एग्ज़ाम के लिए अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो ये रहा। सो इसमें ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, आप इस नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैसेज करना एंड आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी। अभी एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है, सो जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाना जो डिसंबर वाले बैच में एनरोल होना चाहते हैं यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए। ओके, सो यस, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज ये था आज का क्लास एंड नेक्स्ट आप क्या चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे। सो यस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।